पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों में सरकार की नीतियों के खिलाफ आक्रोश है। बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक गुट के कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए बिजनौर कलेक्ट्रेट पर सैकड़ों की संख्या में पहुंच गए हैं। इस दौरान पुलिस ने किसानों को रोकने का प्रयास किया तो किसानों की पुलिस से खूब नोकझोंक और जमकर धक्का मुक्की हुई। किसानों ने मुफ्त बिजली देने का सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। किसानों ने नलकूपों पर लगाए गए मीटरों को उखाड़ कर अधिकारियों के दफ्तर में भरने की भी चेतावनी दी है। 4 अगस्त को भारतीय किसान यूनियन ने भी अधीक्षण अभियंता बिजनौर कार्यालय पर प्रदर्शन का निर्णय लिया है। किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा खिलाफी का सरकार पर आरोप लगाते हुए किसानों ने नलकूपों पर लगाए गए मीटरों को उखाड़ कर SP कार्यालय पर भरने की घोषणा की है। वहीं भारतीय किसान यूनियन गुट के बैनर तले प्रदर्शन करने पहुंचे किसानों का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा की थी, लेकिन अब सरकार अपने वादे से पीछे हट रही है। उनका कहना है कि नलकूपों पर मनमाने ढंग से मीटर लगाने से उन्हें नुकसान हुआ है, बिजली के बिल 2 गुने आ रहे हैं। किसानों ने सरकार पर बिजली किराया संबंधी मानसिक और आर्थिक शोषण करने का आरोप लगाया है। किसान अपने साथ नलकूपों से मीटर भी उखाड़ कर लाए हैं। पुलिस किसानों को समझाने का प्रयास कर रही है। वहीं किसानों का कहना है कि बिजली अधिकारी उनकी मांगों को नहीं सुन रहे हैं। बिजली अधिकारियों द्वारा किसानों का शोषण किए जाने से नाराज किसान एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान बैरिकेडिंग तोड़कर कलेक्ट्रेट में पहुंच गए हैं, जहां किसानों ने 15 सूत्री मांगों के निदान को लेकर प्रदर्शन किया और धरना शुरू कर दिया है। धरने पर युवा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिगंबर सिंह ने कहा कि किसानों को बिना मीटर के ही बिल देना है तो अपने हकों के लिए लड़ना होगा। किसानों की बहुत सारी समस्या है। एक तो बिजनौर जनपद में जो शुगर मिल लगने जा रही, तो जनपद की शुगर मिलें नहीं चाहती कि कोई जनपद के अंदर नई शुगर मिल लगे, और जिले का प्रशासन मौन बैठा हुआ तमाशा देख लिया। दूसरी समस्या हमारी है कि बिजनौर में अगर कोई भी कार्यक्रम वोट लेने का होता तो वो बिजनौर से शुरू होता गंगा के नाम पर, लेकिन गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ से बनाने का काम ये कर रहे हैं। बिजली के मीटर नलकूपों पर लगा दिए, शासनादेश ये है कि मीटर से बिल नहीं लिया जाने का, और डकैती घेरने का काम कर रहे हैं, मीटर से बिल लिया जाने का। भिलाई तो एक बदमाश मिल ही है, और अभी 3 शुगर मिलों ने जनपद की भुगतान नहीं करा करने का, और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। वो कोई सा भी विभाग हो, सारे विभागों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ऐसे बिजली विभाग का तो इतना अत्याचार है, चाहे जर्जर लाइन है, ओवर लोड ट्रांसफार्मर हो, बिजली विभाग के अधिकारी जाते हैं और वीडियो बनाते हैं और फर्जी ढंग से असेसमेंट भरने का जुर्माने करने का काम कर रहे हैं लोगों को। बड़ा अत्याचार जनपद के अंदर किसान मांगे नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे आप? देखो, एक किसान यूनियन का आंदोलन है, अगर मांगे नहीं मानी जाती, हमने पहले 26 तारीख को इस संबंध में ज्ञापन दिया, जिले के प्रशासन ने कई बार बात करी, लेकिन किसी मांग पर ये सहमत नहीं हुए, इसलिए आज यहाँ इस संख्या में किसान आए। अगर किसान की बात नहीं मानी जाती तो जनपद के अंदर अधिकारी भी आराम से बैठने नहीं दिया जाए।